हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए इस वीडियो में आपको दिखाते हैं एक गांव का नया खेल जिसका नाम है दुल्हापति यानी लक्कड़ चुम्मा। यानी जो इसमें चोर पकड़ा जाता है उसको लकड़ी की सुरक्षा करनी होती है और किसी एक को छूकर उस लकड़ी को चुमना होता है, इसीलिए इसका नाम लक्कड़ चुम्मा रखा गया है। आप सभी देखेंगे ये जो सामने दिखाई दे रहा है आर्मी की ड्रेस में, वो चोर है और ये देखिए वो व्यक्ति लकड़ी को लेने जा रहा है। आप कितना भी दूरी पर फेंक सकते हैं, देखिए वो लकड़ी को लेकर आ रहा है। देखिए कहाँ से लेकर आ रहा है, कितनी दूरी से लेकर आ रहा है लकड़ी को। और सभी व्यक्ति जो कि इस खेल में खेल रहे हैं वो लकड़ी को चुनने के लिए नीचे उतर चुके हैं। देखिए ये आर्मी वाला ड्रेस में जो बच्चा ये चोर है वो इसकी सुरक्षा कर रहा है लकड़ी की। देखिए सभी नीचे उतर चुके हैं। जब तक ये इस लकड़ी को चुनते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कोई एक प्यारा सा कमेंट कर दें ताकि मेरा जो अगला वीडियो है आप सभी तक पहुंच सके, क्योंकि आगे बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बनने जा रहा है। आप सभी का भाई आपसे निवेदन कर रहा है कि आप सभी कमेंट कर दें। और ये देखिए लकड़ी एक बार फिर से फेंकी जा चुकी है। इसका एक नियम होता है यानी जो चोर होता है उसको लकड़ी की सुरक्षा करनी है और लकड़ी फेंकने के बाद सभी व्यक्ति पेड़ पर चढ़ जाएंगे और आने के बाद ही बारी बारी से कोई व्यक्ति नीचे पेड़ से उतर सकता है और कोई व्यक्ति अगर उस रोड पर भाग गया तो भी वो चोर ही गिना जाएगा। चलिए आगे आपको वीडियो में दिखाते हैं, बहुत ही रोमांचक रोमांचक दृश्य आपको दिखाएंगे। देखिए ये कितनी देर तक चोर बने रहते हैं आपको वीडियो में आगे दिखाई देगा। देखिए इसमें एक स्टंटमैन है, अगर वो देखिए अगला चोर चुना जाएगा, अगर वो पकड़ा जाता है तो समझिए कि आपको देखने में और भी मज़ा आएगा। स्टंटमैन जो कि अभी आर्मी के ड्रेस में है उसी का छोटा भाई है, वो बहुत ही उछल कर देखिए आगे से आपको दिखा देते हैं। जो आपको चारों तरफ का व्यू दिखा दे रहे हैं पेड़ कैसा है। इतने ऊपर से लोग नीचे कूद जाते हैं। कहा जाता है कि खेलने से शरीर में फुर्ती होती है और ये बच्चे इतने फुर्तीले हैं कि अब पूछिए मत, पेड़ पर एक सेकंड से भी कम समय में नीचे उतर जाते हैं। देखिए वही चोर बन गया। आप सभी को अब अगला आगे स्टंट देखने को मिलेगा, वो देखिए कितना पेड़ पर उछल उछल कर लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है। देखिए आ चुका है, यही है स्टंट में, देखिएगा इसका उछलने का तरीका, देखिएगा उछलने की कोशिश में। ये देखिए पहले ही उछल, ये देखिए उछल कर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तब तक हमारे छोटे भाई जो कि पहुंच चुके हैं और ये किया पकड़ने की कोशिश में गिर भी गए लेकिन लकड़ी को चूम लिया और चूम कर वापस फेंक दिया है रोड की तरफ, जहां से ये व्यक्ति लकड़ी को उठाएंगे और फिर लेकर आएंगे। फिर से चलेगा स्टंटमैन लकड़ी को लाने के लिए। चलिए जब तक ये खेल चल रहा है तब तक जो भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे का वीडियो और भी अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। आप सभी को मनोरंजन के लिए वीडियो आएगा और मैं बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाने वाला हूँ। पूरे बिहार का जितने भी दर्शनीय स्थल है सभी का ब्लॉग बनेगा। जो भी भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें
सब्सक्राइब करने से भैया आपका कुछ जाएगा नहीं। आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिए फुर्ती, इनकी फुर्ती देखिए आप। फुर्ती देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गांव में रहने वाले लोग कितने फुर्तीले होते हैं। देखिए फुर्ती से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार फिर से ये किया, एक बार और। अभी शेख जो कि इनके पीछे पड़े हुए हैं, लगातार इनको चोर बनाए जा रहे हैं। आगे के वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू दिखने को मिलने वाला है। अगला ब्लॉग हमारा रांची में बनने जा रहा है, आप सभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रांची का व्यू आपको बहुत ही अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा आगे के वीडियो में। और वीडियो की क्वालिटी के लिए हम माफ़ी चाहेंगे क्योंकि मेरा भी उतना अच्छा मोबाइल नहीं है कि जिससे क्वालिटी अच्छी आ सके, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो हमसे आपसे यही आशा करते हैं कि आप सभी